नमस्कार। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दो। देखो इसमें हमें दिया है दी हुई भिन्न के अनुसार भाग को छायांकित करना है। हमें ये आकृतियाँ दी हुई हैं, इन आकृतियों के साथ हमें एक एक भिन्न दी हुई है, सभी में एक एक भिन्न दी है और इस भिन्न के अनुसार हमने इनको छायांकित करना है। तो देखो जैसे पहले आकृति है, ये वृत्त है, इसके देखो छह टुकड़े दिए गए हैं, छह बराबर टुकड़े कर दिए और यहाँ भी कितना है छह, मतलब छह में से कितने भाग को हमने छायांकित करना है, एक भाग को। ऊपर एक है, इन छह के छह टुकड़ों में से एक में हम इसको छायांकित कर देंगे, इस प्रकार कलर कर देंगे। तो ये इसका भिन्न का रूप हो जाएगा एक बटे छह। देखो टोटल छह थे तो छह आ गया, एक में कलर है, छायांकित है तो एक बटे में छह। इसी प्रकार इसको देखते हैं, बी बी में है, देखो इसके भी कितने टुकड़े हैं, एक दो तीन चार हैं, और कितनों में हमें छायांकित करना है, एक को छायांकित करना है। तो इन चारों में से कोई भी एक भाग को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार छायांकित कर देंगे। तो ये हो गया एक बटे चार। इसी प्रकार ये है, टोटल तीन है तो बटे में कितना है, हर में तीन है, एक भाग को छायांकित करना है तो कोई भी एक भाग को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार छायांकित कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक बटे तीन भाग। इसी प्रकार ये है, इसमें देखो टोटल चार हैं, चार में से कितने छायांकित करने हैं, तीन भाग, तीन भाग छायांकित करने से तो कोई भी तीन भाग छायांकित कर सकते हैं। जैसे एक भाग तो ये छायांकित कर दिया, ठीक है, इस प्रकार जैसे एक भाग ये छायांकित कर दिया, इस प्रकार ये एक भाग ये छायांकित कर देते हैं, इस प्रकार हम कोई भी तीन भाग छायांकित कर देंगे। तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी, तीन बटे में चार। इसी प्रकार ये चार बटे नौ है तो नौ में से कितनों में छायांकित करना है, चार को छायांकित करना है। तो जैसे मान लो एक तो ये कर दिए छायांकित, एक दो तीन और ये चार, इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। इसमें दिया है कि निम्न में यदि कोई गलती है तो उसको पहचानना है कि इनकी ये भिन्न सही है या नहीं। देखो इसके भिन्न दी है एक बटे दो, इसके भिन्न एक बटे चार, इसके भिन्न है तीन बटे चार। ऐसे तो हम देखते हैं, देखो इसके दो भाग हैं, दो और एक में कलर है, छायांकित है तो एक बटे दो, इसके चार टुकड़े हैं तो चार और एक में छायांकित, एक को छायांकित है तो एक बटे चार, इसमें चार टुकड़े हैं तो चार, तीनों में छायांकित किया है तीनों को तो तीन बटे चार। लेकिन इसमें देखते हैं कि दोनों भाग समान नहीं है, तो ये चारों भाग समान नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा, ये भी अलग है, इन चारों में से कोई भी एक जैसा नहीं है, चारों के चारों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन आकृतियों में कोई भी भाग समान नहीं कि इनके देखो ये दोनों भाग समान होने चाहिए थे, ये चारों समान होने चाहिए थे, ये चारों भी एक जैसे होने चाहिए थे, फिर तो ये भिन्न होते बिल्कुल सही। लेकिन इनमें ये भाग कम है, ये भाग ज़्यादा है, ये भाग कम है, ये अलग अलग भाग हैं, ये भी भाग अलग अलग हैं, तो ये भाग समान नहीं है, इसलिए ये भिन्न इसको नहीं दर्शा सकती। इसलिए यह भिन्न इन आकृतियों को नहीं दर्शाती हैं, इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं।